जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे फिर से इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह का अपडेट देखने को मिल रही है वो बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक है। इसके जो इन्वेस्टर्स काफी घबराए हुए हैं, खासकर जो गिरावट इन दिनों देखने को मिल रही है इस गिरावट को लेकर, और ये चिंता जाहिर भी है। तो समझने का प्रयास करेंगे गिरावट कहाँ तक, ये कितनी लंबी चलेगी, कहाँ तक ये प्राइस नीचे जा सकता है और कब से इसमें प्राइस उठने के चांसेज हैं। साथ में जो Q3 के नंबर आए हैं और जो तमाम अपडेट है सभी अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए शुरुआत हमेशा की तरह शुरू से करते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग BSE इंडेक्स वेबसाइट पर इसका एक क्विक अपडेट ले लेते हैं। देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है आपको ESM स्टेज 2 में देखने को मिलेगा, यानी कि रेड फ्लैग में स्टॉक आ गया है। अब देखिए ESM स्टेज में सामान्यतः तो वही स्टॉक्स आते हैं जिसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका पाई जाती है, तभी से भी उसको अपने ESM या जिसम की कैटेगरी में रखता है। इसमें बेसिकली सर्विलांस किया जाता है किसी भी स्टॉक को, सब कुछ ठीक पाया जाता है तो फिर ESM स्टेज से बाहर आ सकता है। अब ESM स्टेज में आया है तो इससे आपको बाई सेल करने में उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें ESM या जिसम की कैटेगरी में आने के बाद भी आपको सप्ताह में एक दिन ट्रेडिंग होती ही है, ट्रेडिंग तो अभी भी हो रही है। दिक्कत क्या है कि ये स्टॉक यहाँ पर देखेंगे तो आपको लोअर सर्किट में देखने को मिलेगा। आज भी लोअर सर्किट टच किया है, इसके पहले देखेंगे तो कल भी लोअर सर्किट टच किया था। तो लोअर सर्किट टच करने की वजह से ये स्टॉक जो है, अब लोअर सर्किट में जब कोई स्टॉक होता है तो आपको पता है आप उसको बेच नहीं पाते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि आपको बेचने की जरूरत ही क्या है। ये जो स्टॉक है टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, आपने इसको लंबी अवधि के लिए खरीदा है तो शॉर्ट टर्म में गिरावट की वजह से आप इसको क्यों बेचना चाहते हैं। आपको मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि इसको समय देना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। मैं बताऊंगा किस लेवल तक आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्सचेंज में देखेंगे यदि तो जो Q3 के नंबर आए हैं उसके बाद कॉर्पोरेट को लेकर कोई नया अनाउंसमेंट नहीं हुआ। EGM का जो मीटिंग हुआ था नंबर 2023 में, यहाँ पर लास्ट वही आपको अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी जो Q3 के नंबर आए हैं चलिए सीधे हम लोग उसको समझते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है, आप सभी जानते हैं कि टेक्सटाइल के सेक्टर में ये कंपनी डील करती है। ये बेसिकली यार्न फैब्रिक कपड़ों से संबंधित व्यापार करती है और इसका जो थोड़ी बहुत अलग एक्टिविटीज़ करती है, जो थोड़ी बहुत अलग से कमाई होती है वो इन्वेस्टमेंट से होती है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में भी कंपनी इन्वॉल्व है, तो जो बहुत बढ़िया एक तो फाइनेंस के सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग कर जाती है थोड़ी बहुत, और जो मेजर इसका जो रेवेन्यू होता है टेक्सटाइल के सेक्टर से। तो कह सकते हैं कि जो काम के बेसिस पर तो लंबी अवधि तेजी बनेगी ही बनेगी, तो आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट से घबराना नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अभी ठीक ठाक है। यदि मार्केट कैप आप देखेंगे तो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है और इसका जो पी है बहुत कम है। देखिए सामान्यतः जो पेनी स्टॉक होते हैं उनका पी इतना कम होता नहीं है, लेकिन इसका कम है और वैल्यूएशन वाइज स्टॉक का प्राइस भी अभी सही जगह पर पहुँच गया है और या पहुँच रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अभी भी इसका बुक वैल्यू शेयर प्राइस ज़्यादा है, ये बढ़िया बात है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE देखेंगे तो ये माइनस में शुरू से ही है, क्योंकि फंडामेंटल बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब का वैल्यूएशन है कंपनी का उसके हिसाब से फंडामेंटल ठीक है, तो जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी यह भी बढ़ जाएगा। अब हम लोग सीधे टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस थे ये जब कंसोलिडेशन रेंज में था 80 पैसा से लेकर 60 पैसा, कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक किया तो इसका प्राइस ऊपर गया, और जाहिर सी बात है जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो ऊपर जाता है, लगातार ऊपर गया। अब जाहिर सी बात है जब ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, हो सकता है इसके पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस रहा हो, बाद में लोग देखेंगे तो वही प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस इस कंपनी का नीचे आ रहा है। साथ में दूसरी बात यह कि कंपनी के Q3 के नंबर आए हैं उसका इंपैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कि Q3 के नंबर कुछ खास अच्छे नहीं आए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। अब देखिए अभी क्या हो सकता है कि ये जो प्राइस आया है अभी एकदम अपने इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि एक प्रकार से सपोर्ट लेवल के पास आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ₹1.20 के आसपास, इससे भी नीचे आए तो बहुत आ सकता है, तो ₹1.10 इस लेवल के आसपास तक आ सकता है। ₹1.10 के लेवल तक आने के बाद ये प्राइस आप यकीन मानिए यहाँ तक नीचे आएगा, यदि इस लेवल को तोड़ जाता है तो यहाँ से नीचे आने के बाद फिर प्राइस ऊपर उठेगा और उसके बाद इजीली आपको ₹2-2.5 तक जाते हुए दिखेगा। शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है प्राइस ₹1 तक आ रहा है और ₹1 से आने के बाद उठ रहा है कि नहीं। ₹1 से आने के बाद निश्चित ही उठेगा प्राइस, इसके नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो आप शॉर्ट टर्म में यदि इसमें ₹2-2.5 तक जाना चाहते हैं तो जैसे प्राइस ₹1 से आगे घूमने लगे तो आप यहाँ पे एवरेजिंग करके चल सकते हैं। नए व्यक्ति भी चाहें तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं कंपनी के जो Q3 के नंबर आए हैं उस अपडेट को समझते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स को देखते हैं। देखिए सेल्स जो है ना, जो दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें देखिए 0-0 हुआ है। पहले भी जो इसके पहले के भी जो क्वार्टर के रिजल्ट आया था उसमें भी सेल्स 0-0 हुआ था। तो जाहिर सी बात है पिछले 2 क्वार्टर जब कंपनी की कोई सेल्स नहीं हो रही, कोई कमाई नहीं हो रही, तो जो कंपनी का प्रॉफिट है चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो कहाँ से बढ़ेगा। तो इस बार देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ज़्यादा, पहले भी लॉस में था, इस बार लॉस और बढ़ गया है। यदि हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे कंपनी का जो जो नेट प्रॉफिट है जो टैक्स ऑफ के बाद बचता है वह तो पहले लॉस में नहीं था, पहले थोड़े बहुत प्रॉफिट में था। जैसे मैंने बताया कंपनी और भी टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा काम करती है तो उससे थोड़ी बहुत कमाई होती है, तो इस वजह से प्रॉफिट में कमी है, लेकिन पहले पिछले क्वार्टर से इस बार कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है। हालांकि एक चीज़ मुझे यहाँ पर बैलेंस शीट में शॉकिंग लगी कंपनी का, यहाँ पर यदि आप देखेंगे बैलेंस शीट में तो जो डेप्ट होता है कंपनी का वो डेप्ट आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। पहले देखेंगे तो 52 लाख था,
इस बार बढ़कर 70 लाख के आसपास हो गया है। हालांकि इस बीच आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो होता है वह थोड़ा बहुत बढ़ते हुए दिखा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बढ़ते हुए दिखा है। अब रही बात ओवरऑल एलेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में हम करना क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको इस कंपनी के प्राइस भले नीचे जा रहा है लेकिन इसे घबराना नहीं है, आपको 1 रुपये तक आने तक वेट करना है। 1 रुपये तक आने के बाद इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वहां से फिर उठना शुरू होगा और उसके बाद फिर इजीली 2-2.5 रुपये तक आपको जाते हुए दिखेगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म की गिरावट इसे घबराइए मत। तो रही बात क्वार्टर के नंबर की, क्वार्टर का नंबर तो हर 3-3 वहाँ पर आते रहते हैं। इस बार सेल्स नहीं हुआ अगली बार सेल्स हो जाएगा, उसके अगली बार सेल्स हो जाएगा, तो सेल्स ऐसा नहीं जिंदगी बनी हुआ, जब कंपनी चल रही है तो जाहिर सी बात है उसका सेल्स कमी कभी होगा और उसके हिसाब से फिर फंडामेंटल मजबूत होगा। तो उम्मीद करता हूँ एलेस्टोन टेक्सटाइल्स के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप उसे सहमत होंगे, समझ में आ रही होगी। कोई भी इससे रिलेटेड मन में सवाल है कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।